भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर सभी ने आपसी एकजुटता की शपथ ली। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ जन मौजूद रहे। सभी ने मिलकर एक साथ शपथ ली। आदरणीय कुरैशी साहब हम लोग के सबसे वरिष्ठ हैं, उन्हें इतिहास भी मालूम है और इस पार्टी का बलिदान भी मालूम है। उनसे हम लोग आगे बहुत कुछ सुनेंगे और जानेंगे भी। पर मेरा सबसे अपील यही है, मैं अक्सर चाहे NSUI के लोग हों, चाहे यूथ कांग्रेस के, चाहे कांग्रेस के, चाहे सेवा दल के, चाहे महिला कांग्रेस के, मैं एक ही उनसे अपील करता हूं कि वैचारिक रूप से और सैद्धांतिक रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए काम करिए। आप देखेंगे कि कई जगह राजनीतिक दल के जो साथी होते हैं, अगर आप उनको जोड़ने जाएंगे तो पहले पूछते हैं हमें मिलेगा क्या। और ये लालच का भाव लेके अगर कोई राजनीति करना चाहता है तो उनको उनकी राजनीति मुबारक हो। पर सेवा दल ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि इसके बदले में मुझे मिलेगा क्या। आज का युवा यही सोचता है कि राजनीति में जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। पर युवाओं से मेरी अपील है, जो साथी बैठे हैं, लालच का भाव छोड़कर सेवा के भाव को अपने अंदर उत्पन्न करें। भगवान आपका साथ देता है और समाज में जो सकारात्मक शक्तियाँ हैं, जो ब्रह्मांड में सकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो आपके आगे ले जाने में, अग्रसर बढ़ाने में आपका सहयोग करती हैं, आपके लिए अच्छे मार्ग प्रशस्त करती हैं। तो अच्छी भावनाओं के साथ हम सेवा और सेवा के साथ साथ कांग्रेस की वैचारिक जो शक्ति है उसके साथ आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।